शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एसपी ट्रैफिक श्याम देव के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुगम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नो पार्किंग में खड़े वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर इसको लेकर अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए गोलघर स्थित सभी प्रमुख बाजार में नो पार्किंग जोन है। इसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग वाहनों को अवैध रूप से सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिससे रास्ते पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आवागमन में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए गोरखपुर पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। साथ ही दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने सहित अन्य यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए अपील भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और आम जनता की सहूलियत के लिए यातायात पुलिस लगातार सड़कों पर उतर के कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में यहाँ पर ऑपरेशन सुगम अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जो पब्लिक गैदरिंग के स्थान हैं जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, तो वहां पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया गया। आम नागरिकों को और जो दुकानदार हैं जहां पर उनके ग्राहक आते हैं, गाड़ियां रोड पर खड़ी करते हैं, उनमें जागरूकता अभियान चलाया गया कि जो पार्किंग बनाई गई, जो नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग गोल घर में है या फिर सिटी मॉल के सामने पार्किंग है, इसी तरह से और अन्य जगह पार्किंग की व्यवस्था है, तो उन्हें सबसे पहले गाड़ियां सड़क पर ना खड़ी करके पार्किंग में खड़ी करने के लिए जागरूक किया गया। इसी तरह से अन्य जो यातायात के नियम हैं उसके संबंध में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़कों पर पैदल लाउड हेलर के माध्यम से भी अलाउंस करके और ITMS के माध्यम से भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बावजूद भी जो लोग अगर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चला के भी यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई। अभी जो गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिख के चल रहे हैं या जो काली फिल्म लगा के गाड़ियों पर चल रहे हैं, उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया और उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इसी क्रम में जो लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं या बिना सीट बेल्ट के चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी चेकिंग अभियान चला के कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से यातायात पुलिस लगातार जो है सड़कों पर उतर के कार्रवाई कर रही है और ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार भी है, काफी अच्छी व्यवस्था हुई है यहाँ पे।